कारवां टीवी हर पल आपके साथ। दिन में भी जलती हैं स्ट्रीट लाइटें, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को बिजली खपत की परवाह नहीं है। क्षेत्र के युवा अधिवक्ता यूनुस अलवी ने ट्विटर हैंडल पर अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया। अधिकारियों ने कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। जी हां, जिला बरेली नवाबगंज के गांव रिछोला के पैतुल्ला, जो पीलीभीत हाईवे पर बसा है, गांव की सुंदरता को और हाईवे पर बसे गांव में कोई दुर्घटना ना घटे और लोगों को रात में आने जाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए विभाग की तरफ से हाईवे पर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, जो दिन में भी लगातार जलती रहती हैं, जिसकी वजह से हर रोज हजारों यूनिट बिजली बर्बाद हो रही है। लेकिन बिजली खपत को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को कोई परवाह नहीं है, जबकि स्ट्रीट लाइटों को बंद व चालू करने के लिए कर्मचारी तैनात किए गए हैं, लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से स्ट्रीट लाइटों को बंद नहीं किया जा रहा है, जबकि कई बार स्थानीय लोगों ने स्ट्रीट लाइटें जलने को लेकर अधिकारियों को मोबाइल पर भी अवगत कराया। इसके बावजूद बिजली खपत को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा अनदेखी की जा रही है। हाफिजगंज के युवा अधिवक्ता यूनुस अलवी ने ट्विटर हैंडल पर अधिकारियों से शिकायत की है, जिसको लेकर अधिकारियों ने जल्द जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी बिजली खपत को लेकर अधिकारियों के द्वारा अनदेखी की जा रही है। गौरतलब हो, नगर से सटी ग्राम पंचायत रिछोला के फैतुल्ला में कई बार बिजली कटौती से ग्रामीणों और बच्चों को भीषण गर्मी में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विद्युत कार्यालय में लगे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने पर कई बार तो उनका फोन नहीं उठता है। दो दिन पहले ही नगर के भाजपा नेताओं ने बिजली कटौती को लेकर एसडीओ का घेराव किया था और विद्युत कार्यालय में जमकर हंगामा भी हुआ था। इसके बावजूद भी जिम्मेदार लोग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। सम्मान से बात गलत बात नहीं कारवां टीवी हर पल आपके साथ।